हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रुद्राक्ष से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने ईशा फाउंडेशन की तरफ से मिलने वाले रुद्राक्ष के बारे में वीडियो पोस्ट किया था। उसके बारे में बहुत से लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सभी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। जो जो इंस्ट्रक्शन ईशा फाउंडेशन की तरफ से है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे, ताकि आपके सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि क्या हमें रुद्राक्ष पहनने के बाद नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, रुद्राक्ष पहनने के बाद ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन ईशा फाउंडेशन की तरफ से नहीं दी गई है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, नॉनवेज खाने से हमारी बॉडी में नेगेटिविटी इफेक्ट्स कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसका हमारे बॉडी पर सीधा सीधा असर पड़ता है। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप वेज कैटेगरी को चूज करें, जो कि आपकी बॉडी एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। दूसरा प्रश्न है, रुद्राक्ष को महिलाएं अपने मासिक धर्म में यानी पीरियड्स में पहन सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, ईशा फाउंडेशन की तरफ से ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है कि महिलाएं पीरियड्स में रुद्राक्ष नहीं पहन सकती। तो महिलाएं अपने पीरियड्स में रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा प्रश्न है, क्या रुद्राक्ष को हम काले धागे में पहन सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, जब भी ईशा फाउंडेशन से हमें रुद्राक्ष मिलता है उसके लिए काला धागा ही आता है, तो हम इसे काले धागे या लाल धागे में पहन सकते हैं। बहुत सारे लोग यह भी बोलते हैं कि रुद्राक्ष को काले धागे में नहीं पहनना चाहिए, लेकिन ईशा फाउंडेशन की तरफ से ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है कि आपको काले धागे में नहीं पहनना है, इसलिए आप काले धागे में भी इसे पहन सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चौथा प्रश्न, बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि हमें अभी तक ईशा फाउंडेशन की तरफ से रुद्राक्ष दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों, उसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दे रहे हैं, आप वहां पर मेल कर सकते हैं ताकि आपको उसके बारे में अपडेट मिल सके। प्रश्न 5, बहुत सारे लोग यह भी जानना चाहते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद क्या आप इंटरकोर्स कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, रुद्राक्ष धारण करने के बाद आप अपने ग्रस्त जीवन में इंटरकोर्स कर सकते हैं। ईशा फाउंडेशन की तरफ से ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है कि आप ग्रस्त जीवन नहीं जी सकते, तो इसीलिए ग्रस्त जीवन जीने वाले भी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। छठा प्रश्न, दोस्तों रुद्राक्ष जब हमें प्राप्त होता है तो हमें उसमें दो धागे मिलते हैं। छोटे वाले धागे को आप अपने कलाई पर बांध सकते हैं और बड़े वाले धागे को रुद्राक्ष को धारण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रश्न 7, बहुत सारे व्यूवर्स यह भी पूछते हैं कि क्या हम अपना रुद्राक्ष किसी फैमिली मेंबर को दे सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने रुद्राक्ष को धारण कर लिया है तब आप अपने रुद्राक्ष को किसी दूसरे को नहीं दे सकते। अगर आपने किसी भी कारणवश रुद्राक्ष धारण नहीं किया है तो धारण करने से पहले आप किसी को वह रुद्राक्ष दे सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रश्न 8, रुद्राक्ष की कंडीशनिंग करने के बाद हमें दूध और घी का क्या करना है। तो दोस्तों, रुद्राक्ष की कंडीशनिंग करने के बाद दूध को आप पेड़ पौधों में दे सकते हैं और घी को आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे रुद्राक्ष के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए।